हेलो फ्रेंड्स, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है और ये जो नोटिस है वह फेज 10 एग्जामिनेशन 2022 का है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे जो है ये अपडेट वो स्क्रूटनी को लेकर के है, तो जितने भी कैंडिडेट्स पास किए हैं उसको स्क्रूटनी होगा, तो इसी को लेकर के नोटिस है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये जो कैंडिडेट्स में काइंडली रिफर टू फारा 8 एंड बिलो फारा 10 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेवल वाइज रिजल्ट ग्रेजुएशन एंड अबव हायर सेकेंडरी मेट्रिकुलेशन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑन द कमीशन ऑन 18/11/2022 फॉर फेज 10 2022 सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन वाइड विच कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्क्रूटनी वेयर इन्फॉर्म्ड टू सबमिट ए कॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से कि जो है फेज 10 एग्जाम्स 2022 का जो है उसका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे उनका यहाँ पे 18 नवंबर को यह अपलोड जारी कर दिया गया था। तो उनका यहाँ पे स्क्रूटनी को लेकर के अब उनको इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो किस प्रकार के सबमिट करेंगे कॉपी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें से उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, साथ ही साथ एक्सपीरियंस होगा, कैटेगरी, एज रिलैक्सेशन वाले जितने भी चीज़ें हैं वो सब सारी चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों को करना है, देना है इन हार्ड कॉपी एलोंग विद द प्रिंट आउट ऑफ दियर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिसेस टू विच द फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग्स बाई 9 December 2022 बाई स्पीड पोस्ट ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैटेगरी एज रिलैक्सेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है उनका हार्ड कॉपी को आप लोगों को भेजना है, साथ साथ में जो आप ऑनलाइन किए थे उसका ऑनलाइन अप्लीकेशन का जो है प्रिंट आउट भी आप लोगों को जरूरी है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोगों को रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस में भेजना है। और उसको भी कितना तक भेजना है, तो वो 9 December 2022 तक में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के ही थ्रू भेजना है। तो ये भी आप लोगों को जानकर ध्यान रखना है, तो आप लोगों को यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू ही 9 दिसंबर तक में भेज देना है। तो यहाँ पे जितने भी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं और साथ ही साथ जितने भी हार्ड कॉपी मांगा गया सारे के सारी चीज़ों को आप लोगों को भेज देना है। और ये आप लोगों का जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म जो रहता है उसका प्रिंट आउट इसको तो भेजना ही भेजना है आप लोगों को, यहाँ पर साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। तो ये है, इसके बाद में आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। इन द रिगार्ड कैंडिडेट्स आर अगेन इन्फॉर्म टू सबमिट देयर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव एंड इन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल वाइज रिजल्ट राइट अप टू ऑन बिफोर 9 December 2022 बाई स्पीड पोस्ट ओनली। नो एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेल बी ग्रांटेड इन एनी सर्कमस्टेंस अंडर सेक्रेटरी, ये दिखा गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को 9 December 2022 तक में स्पीड पोस्ट के थ्रू से आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज ही लेना है। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे जो है कोई भी डेट को एक्सपेंड नहीं किया जाएगा, जो है आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट भेजना है वो आप लोगों को 9 दिसंबर तक भेज ही देना है। तो ये अंडर सेक्रेटरी यहाँ पे कहा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को कर लेनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए 2 दिन का टाइम है क्योंकि आज 7 तारीख हो गया है। तो ये आप लोगों को 2 दिन के अंदर में स्पीड पोस्ट के थ्रू से भेज देंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मांगा गया है। तो यही एक अपडेट आया हुआ था जो कि फेज 10 एग्जामिनेशन जो है सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का जो है वो इसी को लेकर के ये अपडेट है, नोटिस है आप लोगों को। तो ये सारी जानकारी को ध्यान रखना है।